नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका गोपाल। हमारे किचन पर आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों चलो फटाफट चलते हैं वीडियो के अंदर। आज हम बनाएंगे रारा गोश्त। तो हम अपना किचन पे रारा गोश्त किस तरीके से बनाते हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में। तो चलो मारते हैं वीडियो स्टार्ट और बनाते हैं रारा गोश्त। तो दोस्तों रारा गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर देख रहे मैंने लिया है 4 kg मटन करी काट। आपको मटन करी काट थोड़ा चाप वाला पीस, नली वाला और थोड़ा चर्बी वाला मटन लेना है। यहाँ पर देख रहे मैंने लिया है 4 kg मटन करी काट और देख रहे लिया है 1 kg मटन मीन्स। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम इस मटन को अच्छा सा फास्ट मैरिनेशन कर लेते हैं। तो देख रहे अब हम इस मटन करी काट में ये 1 kg मटन कीमा मिक्स कर लेंगे और नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, टर्मेरिक पाउडर, नॉर्मल चिल्ली पाउडर और ऐड करेंगे 1/2 चम्मच कचेरी पाउडर, नेक्स्ट ग्रीन चिल्ली चॉप और ऐड करेंगे थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। साथ में ऐड कर लेंगे 1 बॉल दही। अब हम इसे अच्छा से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों अब रारा गोश्त बनाने के लिए चढ़ा लेंगे लगन। तो लगन बैठा लिया है, अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा देसी घी और दोस्तों देसी घी का साथ में ऐड कर लेंगे थोड़ा सा रिफाइन ऑयल। तो दोस्तों देख रहे हैं हमारा यहाँ पर घी और ऑयल दोनों गरम हो चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा सीड, ब्लैक कार्डमम, स्टारनिश, ग्रीन कार्डमम, लौंग, जायपत्री, सिनेमन स्टिक और बेलिस। आपको ये सारे खड़े मसाला ऐड कर लेना है और इसे तेल में हमें अच्छा से 2 मिनट तक भून लेंगे। और दोस्तों ये खड़ा मसाला भुना हो जाए तो नेक्स्ट आपको ऐड कर लेना है ऑनियन चॉप और दोस्तों ऑनियन का साथ ऐड कर लेंगे ग्रीन चिल्ली और इसे अच्छा से भून लेंगे। तो दोस्तों देख रहे मैंने ऑनियन को अच्छे से ब्राउन कर लिया है, आपको भी सेम इस स्टेज तक ऑनियन को ब्राउन कर लेना है। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो दोस्तों देख रहे हैं हमारा ये जिंजर गार्लिक अच्छा से मैंने ब्राउन कर लिया है। अब ऐड करते हैं मसाला। तो मसाला जब ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे नमक। आपको नमक देख के ऐड करना है क्योंकि मैंने फास्ट मैरिनेशन का टाइम पे ऐड किया है नमक, तो आपको ऐड कर लेना है और थोड़ा सा नमक वो भी स्वादिष्ट अनुसार देख के ऐड करना है। ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नॉर्मल स्पाइसी रेड चिल्ली पाउडर और ऐड करेंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर ओनली फॉर कलर के लिए और साथ में ऐड करेंगे 1/2 चम्मच टर्मेरिक पाउडर, ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच जीरा पाउडर और ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच कोरिएंडर पाउडर और साथ में ऐड कर लेंगे 1 स्पून गरम मसाला पाउडर। और आपको ऑनियन का साथ इस मसाला को अच्छा से भून लेना है, आपका मसाला जाते ना जले उसके लिए आपको ऐड कर लेना है थोड़ा सा पानी। तो आपका मसाला जलेगा नहीं, आपको धीरे धीरे ऑनियन का साथ मसाला को अच्छा से पका लेना है। तो दोस्तों देख रहे मैंने ऑनियन का साथ मसाला को अच्छा से भून लिया है। अब हम नेक्स्ट ऐड करते हैं टोमेटो। ये देख रहे टोमेटो पेस्ट है, आपको ऐड कर लेना है और इसे अच्छा से पकाएंगे। तो दोस्तों आपको टोमेटो ऐड करने के बाद है 5 से 10 मिनट तक मसाला को अच्छा से पका लेना है। इस पे क्या होता है टोमेटो का जो रॉ फ्लेवर और खट्टापन रहता है
वो खत्म हो जाता है। आपको धीरे धीरे सेम टोमेटो ऐड करने के बाद मसाला को पका लेना है। मसाला पक के तैयार है। अब हम इस मसाला में ऐड करेंगे ये फास्ट मैरिनेशन करके रखा था मटन, आपको धीरे धीरे इस मसाला पे ऐड कर लेना। और इस मसाला का साथ अब हम इस मटन को अच्छा से रगड़ के भून भून के पकाएंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं मैंने मटन को कैसा भून लिया है, यहाँ पर दही भी मेल्ट हो चुका है और देख रहे हैं मटन भी पानी छोड़ने लगा है। आप लोगों को पानी ऐड करने का ज़रूरत नहीं है और आपको मीडियम फ्लेम पे अच्छा से भून भून के मटन को पकाना है। आपको धीरे धीरे डालना है लीड और इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छा से भून के पकाना है। बीच बीच में आप लोग ऐसा मिक्स करते रहिए जाते लगन का नीचे मटन ना लगे ना जल जाए, इसके लिए आपको ध्यान देना है। तो इसके लिए आपको धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पे भून के पकाना है। और दोस्तों देख रहे हैं हमारा मटन अच्छा से भुनाई हो चुका है और आपको सेम मटन को आधा घंटा तक अच्छा से भून के हाफ पका लेना है। देख रहे हैं मैंने कैसा आधा घंटा तक अच्छा से भून लिया है। अब इस मटन को अच्छा से कूल डाउन करने के लिए ऐड करेंगे पानी। आपको ऐड कर लेना है थोड़ा सा गर्म पानी, ठंडा पानी ऐड ना करें, गर्म पानी ऐड करें। तो दोस्तों पानी ऐड करने के बाद आपको इसे लीड डाल के अच्छा से उबाल के मटन को फुली कुक कर लेना है। तो दोस्तों देख रहे हैं मैंने कैसा रगड़ रगड़ के मटन को अच्छा सा गोल्डन कुक कर लिया है। देख रहे हैं कितना मस्त का जबरदस्त ग्रेवी बना हमारा। आपको सेम ऐसा ही मटन को अच्छा से कीमा का साथ रगड़ रगड़ के आपको पकाना है। कीमे छिटक रहा है इससे क्लियर, आपको लीड डाल के अच्छा से मटन को रगड़ रगड़ के पकाना है। तो हमारा रारा गोश्त तैयार है। आपको इस ग्रेवी ज्यादा पतला ना रखे और ज्यादा थीक भी ना रखे, आपको सेम ऐसा ही लटपटा करके ग्रेवी रखना है। देख रहे कैसा मटन कीमा मटन पीसेस का साथ में अच्छा से चिपक का है, आपको सेम ऐसा ही बनाना है। देख रहे तो दोस्तों देख रहे हैं हमारा मटन करी कट का साथ जो मटन कीमा कैसे अच्छा सा बॉन्डिंग रहा है, आपको सेम ऐसा ही रारा गोश्त बनाना है। आप लोग पहले अगर मटन बॉयल कर लेंगे उसका बाद मटन कीमा ऐड करेंगे तो आपका मटन भी बॉयल होगा कीमा होगा लेकिन वो रारा गोश्त नहीं बनेगा, उसमें आपको मटन अलग दिखेगा और कीमा अलग दिखेगा। इसके लिए मैंने पहले ही फास्ट मैरिनेशन का टाइम पे मटन बोन और मटन कीमा साथ में मिला के फास्ट मैरिनेशन कर लिया था। मटन मींस बहुत ही क्विकली बॉयल हो जाएगा और मटन आपका जो मटन करी कट होता है वो बॉयल होने के लिए बहुत ही लेट होगा। तो ये जो मटन मींस है ये जितना अच्छा से मैसली बॉयल होगा उतना सॉफ्ट रहेगा और हमारा मटन का साथ इसका जो बाइंडिंग है वो फेविक्विक का तरफ बाइंडिंग होगा। देख रहे हैं मैंने कैसा मटन आपको सेम देख रहे हैं ना मटन पीसेस का साथ मटन कीमा कैसा बॉन्डिंग दिख रहा है आपको। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ चॉप और साथ में ऐड कर लेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और इसे अच्छा से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों देख रहे अगर आपका मसाला मिक्स होने के बाद नेक्स्ट ऐड कर लेंगे और 2 चम्मच देसी घी तब ये मटन बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, तो इसलिए ऐड कर लेंगे थोड़ा सा घी और इसे अच्छा से मिक्स कर लेंगे।
तो दोस्तों देख रहे हैं हमारा राड़ा गोश्त रेडी है। आपको भी सेम ऐसा ही रेसिपी फॉलो करके रेडी करना है, और इसका साथ रोटी फुलका चपाती या बटर नान का साथ आप सर्व कर सकते हैं। चलो अब हम इसको अच्छा से 1% प्रेजेंटेशन कर लेते हैं।